वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गुल्लू मैम की है थोड़ी सी तबीयत खराब, तो रेडी हो चुकी हूँ इधर मैं भी, और गुल्लू को लेके जा रही हूँ एक बार डॉक्टर के, जाके डॉक्टर को दिखा के आती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा इरीटेट हो रही है, तो मैं दिखा के आती हूँ कि क्या है। और मुझे लग रहा है कि शायद इसके अंदर आयरन की कमी ना हो, ये मुझे लग रहा है, बाकी मतलब कुछ ऐसा ना हो ज़्यादा अच्छा है, बट एक बार डॉक्टर को दिखाया होंगे तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो जाती हूँ डॉक्टर को, दिखाते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। और बंसल जी, ये रे बंसल जी, जरा गुल्लू को पकड़ लो एक बार, एक सेकेंड में अभी पकड़ रहे हैं। तो चलो एक बार गुल्लू का लगना है इंजेक्शन भी, तो मम्मी तो भूल गई थी कार्ड, तो गुल्लू का इंजेक्शन कार्ड भी ले लेते हैं और चलते हैं, गुल्लू को ले जाते हैं डॉक्टर के पास। और लगेगी हमारी सुई और गुल्लू बोलेगी ओए मम्मी ओए, ओए मम्मी ओए। चलो फ्रेंड्स, गुल्लू को दिखाना हो चुका है खत्म, और आए हैं इधर बंसल जी के साथ हम। कौन सी गाँव है ये? पुट गला गाँव। और ये देखो गुल्लू मैडम, इसको है नीचे जाने की जल्दी। मम्मा मुझे नीचे छोड़ दो। गुल्लू फ्रेंड्स, गुल्लू ने यहाँ पे मुझे तंग करके रखा हुआ है और कह रही है नीचे उतारो नीचे उतारो, और यहाँ पे रोड है ये बिल्कुल, और रोड पे इसको नीचे उतारना पड़ेगा। और देख ही रहे हो इसको खांसी कितनी ज़्यादा है, और डॉक्टर ने इसको दवाई दे दी। अब दवाई के बाद अब हम इसको हो जाएगी दो दिन में ठीक। और जैसे मुझे थोड़ी सी वीक लग रही थी उसके लिए भी मैंने डॉक्टर को बोल दिया था, तो डॉक्टर ने उसके लिए भी दवाइयाँ दी हैं। तो बस अब घर जाएंगे, बंसल जी आ जाए, यहाँ पे खड़े हैं बंसल जी का वेट करने के लिए, बंसल जी आ जाए फिर उसके बाद जाएंगे घर। हम आ चुके हैं यहाँ पे गिरान मंदिर में, गुल्लू भी ये रही, और यहाँ पे मेरा बैग, मेरा हेलमेट, और ये देखो ये है मंदिर पूरा, मेरा पूरा मंदिर। ऐसे लग रहे जैसे पुराने जमाने के मंदिर नहीं होते थे, उस टाइप के आपको दिखाती हूँ। ओ हनुमान बाबा की, दिखाइयो ये देखो, चिड़ियों की चेचाहट, हाय हाय मजा आ जाता है मुझे तो। और ये देखो सामने तो डॉगी बैठा है भगवान जी के पास। कैसी है तबीयत? दला सलाई क्या होता है? दिया सिलाई क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? ये चॉकलेट के बिस्कुट लिखा है। तो कौन खाएगा ये? तुम खाओगी? फिर क्या दूँ? ये दुकान का बिस्कुट है ना, बिस्कुट मैं कौन नहीं खाऊं? ये रही आपकी दवाई, ये अम्मा की दवाई यहाँ पे निकाल के दी जा रही है प्रिया मैडम के थ्रू। हाँ अम्मा, हमने ना खाने, तुम खाओ। ये अम्मा ये अभी की दवाई है, मैं ना खाऊं। ठीक है अम्मा, ये सुबह की है और ये अभी की। चलो लाइट बंद कर दो, देखना अम्मा का पंखा कैसे धीरे धीरे चलता है। चल यार लाइट बंद कर, अम्मा का पंखा कितना धीरे धीरे चलता है। तब क्या कर दूं? बतेरी फोटो तुम्हारी, बतेरी फोटो। मैं आई हूँ अनाइका मैम को, बहन मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, तूने तो मुझे अब बताया। हम आए हैं अनाइका मैडम के साथ चुनमुन पे, गुल्लू की जो ड्रेस थी वो अल्टर के लिए दे रखी थी, बर्थडे की ड्रेस, तो वो लेने आए हैं। और बस अब ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और भी पसंद आता है तो। फ्रेंड्स, गुल्लू की ड्रेस जो है वो मिल चुकी है, ये रही गुल्लू की ड्रेस। और गुल्लू की ड्रेस के बाद अभी हम बैठे हैं यहीं पे चुनमुन के पास, थोड़ा अच्छा माहौल था। ये मेरे बाल कैसे उड़े उड़े से हो रहे हैं, देख रहे हो छोटे छोटे हो गए ना, सारे उड़े उड़े से हो रहे हैं। तो बस अब बैठे हैं थोड़ी देर यहाँ पे, फिर उसके बाद जाएंगे बुकिंग के लिए, देखते हैं कैसे है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, या कुछ फाइनल देखते हैं क्या होता है। ये बनवाइए प्रिय, तेरे को नहीं खानी है, तेरे को नहीं खानी, ये सारी पैकेट मेरा है, दे दे। क्यों नहीं खानी बहन? तू नहीं खाएगी, तू सिर्फ गोलगप्पे खा। तूने क्या कहा था कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी? देख रहे हो कितना ठूस ठूस के खा रही है
की आपने बनवाई है सेव पूरी और ये खा रही है प्रिया मैडम। खा रहा है कौन? खा रहा है? हेलो, एक भेलपुरी और बनवा लूं? तू नहीं खाएगी? मैं बनवा रही हूँ। क्यों? गोलगप खाते हैं। मैं घर के लिए बनवा रही हूँ, बेकार हो जाती है। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और क्या लाई हूँ आपको, बस इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये है बैटर, उत्पम का बैटर। वैसे तो मैं घर पे खुद बना लेती हूँ बट ये चावल का होता है। आधा किलो 50 रुपये का दिया उन्होंने। और उत्पम डोसा इडली, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती है तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेती हूँ। और उन्होंने कहा है इस बैटर को फ्रिज में रखना है। और एक मैं लेके आई हूँ नारियल की चटनी, ये भी 3-4 दिन चल जाएगी। और इस बैटर को रखना है फ्रीज़र में, इसके अंदर खाली नमक और उन्होंने कहा था लाल मिर्च, मतलब छौंका लगाना है एक तरीके से, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो लेट्स ट्राई कि कैसा बनता है। और इसमें है गुल्लू की ड्रेस और इसमें लेके आई हूँ मैं थोड़े से जैसे रस वगैरह ले आई हूँ, कभी कभी जैसे चाय के साथ स्नैकिंग करने का मन करता है तो उसके लिए ले आई हूँ। तो इसको डब्बे में डाल के रख देती हूँ, फिर आपसे मिलते हूँ। फ्रेंड्स किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी भी 2 बर्तन रह गए हैं, बर्तन ही नहीं ख़त्म हो रहे, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बंसल जी को मैंने ज़बरदस्त खाना खिलाया है, बस पूछो मत, जबरदस्त बंसल जी का खाना जो मैंने बंसल जी को खिलाया है। बंसल जी कैसा लगा आपको? ठीक था। हाँ अभी तो जबरदस्त कह रहे थे। ठीक था। कह रहे ठीक है। अरे गुल्लू मैडम के हमारे बर्थडे की सेलिब्रेशन हो गई है रेडी, गुल्लू मैडम भी हमारी हो जाएगी फटाफट से रेडी। और आप देखना गुल्लू का धमाकेदार मजेदार पार्टी पॉपर वाला बर्थडे, समझ आ गया तेरे को? बस लास्ट काम, मैंने वैसे खाना नहीं खाया है, किचन में लास्ट काम रह गया दूध रखने का, अभी दूध गर्म है, बस लास्ट काम है दूध गर्म करने का। और ये देखो बर्तन कितने सारे थे, क्योंकि आदत नहीं है, जब हाउस हेल्पर होती है ना तो वो सारे काम कर देती है, बट अब वो नहीं है तो पता चल रहा है यार कि मतलब कितने काम करने पड़ते हैं। एक्चुअली आज बहुत सारा काम था, मैंने बहुत जगह वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि मतलब काम ही ऐसा था। पहले तो हम लोग गए गुल्लू को सुबह डॉक्टर के दिखाने, फिर गुल्लू को डॉक्टर के दिखा के जब डॉक्टर ने बता दिया कि शी इज़ फाइन, थोड़ा सा आयरन की कमी मुझे लगी तो मैंने वो बता दिया डॉक्टर को, तो उन्होंने थोड़ा सा पाउडर दे दिया। उसके बाद हम गए बंसल जी के किसी काम के लिए गए थे, तो वहाँ गए, वहाँ पे भी हम लोग इवन मतलब उन्होंने हमें जो है ना स्कूटी पे कहा कि आप यहाँ पे 10 मिनट रुको मैं काम करके आता हूँ। और हम लोग जब काम करने गए तो वहाँ पे इतने मच्छर थे पूरे मेरे हाथ पे, ये देखो मेरे पूरे हाथ पे पैर पे पूरे पे मच्छर मच्छर काट गए। और गुल्लू भी थी बाई चांस की बात है साथ में, गुल्लू को भी परेशान किए वहाँ पे, तो थे ही बहुत सारे मच्छर बहुत सारे। तो बस वो सारा काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, फिर घर आए, फिर जो छोटी मोटी थी मुझे क्या पहनना था गुल्लू के बर्थडे पे उसको अल्टर कराना था, सूट वगैरह दे के आने थे। अभी भी मेरे देखो कुछ कपड़े ये पड़े हैं अल्टर के लिए, कुछ 2 सूट्स यहाँ पे नए बनने के लिए देने हैं, ये बचे हुए हैं, ये गुल्लू का इधर ये है इसमें आवाज़ आती है। और बस ये सारे काम करने ही करने हैं, वे काम भी करूँगी कल देखती हूँ। और इसके अंदर ये मेरे सारे अल्टर के कपड़े आ गए, सब आ चुका है मेरा, अभी मैं देखूंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये ब्लॉग जो है यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, थक जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टिव या बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो बस इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। गाइज डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ बंसल फैमिली, और ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसी मोहब्बत देते रहिए, और मतलब इतना प्यार दे रहे हो ना आप, थैंक यू सो मच, बाय बाय।